लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा, इस समाज को भगवान चित्रगुप्त की जयंती पर बधाई दी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सभी से निवेदन है कि कोरोना महामारी के चलते सभी अपने घरों में 5 दीप जलाएं और इस कोरोना महामारी के खात्मे के लिए प्रार्थना करें। आगे बोलते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि कल विश्व मजदूर दिवस मनाया जाएगा और कोरोना महामारी के चलते इन 40 दिनों में सबसे ज्यादा मजदूर ही परेशान हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा देश के नाम दिए गए संबोधन में दीप जलाने की अपील पर चुटकी लेते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि मजदूरों के घरों में दिए जल गए मगर उनके घरों का चूल्हा नहीं जला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। चित्रगुप्त जी की जयंती है, उसके लिए सभी चित्रगुप्त समाज काय समाज को बहुत बधाई शुभकामनाएं। सभी समाजों को लोग दिया घर में जला के ऐसा चित्रगुप्त जी का जयंती उत्सव मनाएंगे और सभी से निवेदन है कि अपने घरों में दीपक जलाएंगे। दूसरा, कल है मई दिवस, मजदूर दिवस, और कोरोना से अगर इन 40 दिनों में कोई सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ है तो वो मजदूर जिसको काम नहीं मिला है, जो काम नहीं कर पाया, जिनके घर के चूल्हे नहीं जले हैं। दिए तो जल गए लेकिन चूल्हे उनके घर के नहीं जले। राशन भी 5 किलो दिया गया है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको 40 दिन इसमें चलाना था। मेरा ये कहना है, जो बार बार मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 25 श्रेणियाँ हैं अलग अलग, चाहे वो मकेश शिल्पी हो, चाहे धोबी हो, चाहे दिव्यांग हो, और इस तरह की जो 25 कैटेगरियाँ हैं, कम से कम 1 मई को तो इनके अकाउंटों में पैसा डाल दें, जिससे जो क्योंकि लॉकडाउन अगर बढ़ा तो इनके काम फिर चलेंगे, काम धंधे फिर बंद रहेंगे। तो ऐसे श्रमिकों के अकाउंट में आप 5,000 रुपये डालें, जिससे इनका घर बार चल सके। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।